अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, राना अली हैदर पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर बहरिया टाउन कराची के प्लेटफॉर्म से आज एक नई एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और मेरे साथ मौजूद हैं एहसन राना, और आज हम आपको 250 के जो बहरिया के अंदर जितने भी प्रीसेंट है, जिसमें ओल्ड बीटी के, इसके अलावा स्पोर्ट्स सिटी के अंदर जितने भी प्रीसेंट है 250 के, आज हम उनका मंथली रेट एनालिसिस करेंगे। इसके अलावा कौन से प्रीसेंट ऐसे हैं जो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर हैं, इसके अलावा रेजिडेंशियल के हवाले से कौन से बेहतर हैं, किस प्रीसेंट ने ज़्यादा रेट अप किया है, किस प्रीसेंट में लोगों ने रेजिडेंशियल वाले से ज़्यादा मूव किया है। तो मेरे साथ एहसन राना मौजूद हैं। जी एहसन राना, बताइए कि प्रीसेंट वन के अंदर क्या रेट चल रहे थे पिछले महीने, और इसका अभी करंट वैल्यू क्या चल रही है, और इसमें इंक्रीमेंट क्या है। जी तो एहसन राना, आपके साथ डिटेल। व्यूअर्स, मैं प्राइस से पहले इनकी इंपॉर्टेंस बात करना चाहूँगा कि रेजिडेंशियल लिहाज से या इन्वेस्टमेंट लिहाज से कौन सा जो प्रीसेंट है वो ज़्यादा बेहतर है, और किसका एक जो फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के लिहाज से कौन सी चीज़ आप लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट के लिहाज से बहुत आपके आइडियल रहेगी इस टाइम पे इन बहरिया टाउन कराची। सबसे पहले हम ओल्ड बीटीके को डिस्कस करेंगे यहाँ पे, जिसमें प्रीसेंट 1, 6 और 8 है। मैं इन तीनों को एक कंपैरेटिवली इनका एक कंपैरिजन दे दूंगा, और इनकी प्राइस भी डिस्कस करूंगा, और इनकी जो फ्यूचर है उसको भी डिस्कस करूंगा। अगर आप प्रीसेंट 1 की बात करते हैं तो जो मेन एंट्रेंस है बैरिया की, बिल्कुल उसके 7 प्रीसेंट है मौजूद है। इसमें 250 गज के जो हैं वो प्लॉट्स हैं, जो और बहुत ज़्यादा रेजिडेंट्स जो है इसमें रह चुके हैं, आबाद हो चुका है सारा का सारा जो प्रीसेंट्स है। उस रीज़न ये है कि प्रीसेंट 2 के विलाज भी इसके पास पड़ते थे, और बहरिया ने प्रीसेंट 1 को जो मेन एंट्रेंस थी उसको सबसे पहले आबाद किया था यहाँ पे जब ये बना था प्रोजेक्ट। अगर आप इसकी प्राइस की बात करेंगे तो लास्ट मंथ इसकी जो प्राइस थी 140 लाख से लेके 190 लाख तक आपको प्लॉट मिल जाता था। जो आप रेंज 190 लाख की देख रहे, इसमें कैटेगरी के प्लॉट्स आ जाते थे जो पार्क फेसिंग थे, कुछ कॉर्नर के थे, कुछ रोड के प्लॉट्स थे। लेकिन करंट जो ईद के बाद जो मार्केट अब जा रही है बहरिया टाउन के अंदर इनकी, वो 160 लाख से लेके 230 लाख तक जा रही है। मतलब कि 20 लाख से लेके 40 लाख का जो है वो इंक्रीमेंट हमें देखने को मिला है। इसकी रीज़न ये भी है कि अगर आप फ्यूचर देखें मेन जिन्हें एवेन्यू का, अभी आपको यहाँ सारे रियल स्टेट के या प्रॉपर्टी के ऑफिस देखने को मिलते हैं, लेकिन आज से 10 साल बाद 15 साल बाद मैं ये नहीं कहता कि यहाँ पे रियल स्टेट के ऑफिस नहीं होंगे, वो बिल्कुल मौजूद होंगे। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी आएंगी, यहाँ पे बड़े बड़े ब्रांड्स आके बैठेंगे, फूड चेन्स भी आकर बैठेंगी, जिससे आप देख सकते हैं कि प्रीसेंट 1 के अंदर ही जिन सो एक ब्रांड है, बाकी बैंक सारे प्रीसेंट 1 के अंदर बहरिया ने दिए हुए हैं। उसके अलावा पिज़्ज़ा हट यहाँ पर था जो एक इंसिडेंट में बहरहाल जल चुका था, लेकिन खैर वो दोबारा रिकन्स्ट्रक्ट हो जाएंगी चीज़ें। तो सेम उसी तरीके से अगर आप ग्राउंड फ्लोर का देखते हैं मेन जिन एवेन्यू के ऑफिस के, तो आपको प्रॉपर्टी के रियल स्टेट के ऑफिस मिलेंगे। लेकिन आने वाले टाइम के अंदर ये जो ऑफिस है एक कमर्शियल एक हब बन जाएगा, इस तरह के लाहौर में लिबर्टी आप देख लें, या फिर आप क्लिफ्टन कराची में देख लें, जो बड़ी हाई राइज बिल्डिंग्स है, नीचे कमर्शियल एक्टिविटी होगी। तो ये रीज़न भी है इसकी कि जो प्रीसेंट 1 है, नियर टू गेट तो है ही है, लेकिन इन फ्यूचर भी अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट आज भी करते हैं तो ये आपको लॉन्ग टर्म के अंदर एक अच्छा बेनिफिट दे के जाएगा। इसके बाद अगर आप प्रीसेंट 6 और 8 की बात करते हैं तो मिडवे के पास पड़ते हैं प्रीसेंट्स। मिडवे ऐसे ही, जिस तरह आप लाहौर में गुलबर्ग देख लें, उसके आसपास जो गार्डन टाउन है या बाकी जो सोसाइटीज़ है, अगर आप आज वहाँ पे प्रॉपर्टी लेना चाहें तो आप उसको होल्ड नहीं कर सकते, उसकी प्राइस बहुत अप जा चुकी है। तो आज जो इस रेट पे आपको प्लॉट्स मिल रहे हैं, आज से 2 से 3 साल बाद ये सेम रेट पे आपको प्लॉट्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमने देखा है यहाँ पे, आप स्पोर्ट्स सिटी विलास की एग्जांपल ले लें, आज से 6 माह पहले या साल पहले अगर आपको एक विला 180 में 170 में मिलता था, आज आपको 240 में 250 तक भी इवनी विला मिल रहा है। सेम इसी तरीके से आज से 6 माह पहले, अगर ये अब लास्ट मंथ 70 लाख टू 120 लाख में था, तो आज से 6 माह पहले ये आपको 40-50 की ब्रैकेट में भी मिल जाता था, लेकिन अब आपको नहीं मिल रहा। और करंट जो मार्केट अब ईद के बाद चल रही है इसकी, वो 85 लाख से लेके 135 लाख तक जा रही है। और ये जो प्राइस रेंज है ये अभी कांस्टेंट इस तरह ही जाएगी, आशूरा में आके थोड़ा एक कांस्टेंट इसकी हो जाएगी, इसमें हाई करना बंद हो जाएगी, क्योंकि आशूरा में क्लाइंट भी थोड़ा मसरूफ हो जाता है, और थोड़ी सिचुएशन ऐसी होती है कि मार्केट जो होती है वो बहुत ज़्यादा उसमें बाइंग सेलिंग नहीं चल रही होती, चल रही होती लेकिन बहुत ज़्यादा एक जो उसकी स्ट्रेटजिक्स है बहुत हाई नहीं होती। लेकिन आशूरा के बाद फिर इसमें आप इंक्रीमेंट देखेंगे, जिस तरह ईद से पहले रेट्स और थे, ईद के बाद और हुए, सेम उसी तरीके से आशूरा के बाद भी इसके जो रेट्स हैं वो बढ़ने हैं। हमने लास्ट ईयर भी ये ऑब्जर्व की थी चीज़ें, और सेम चीज़ें जो है वो इस साल भी ऑब्जर्व आपको करने को देखने को मिलेंगी। उसके बाद अगर आप P8 की बात करें, लास्ट मंथ जो इसके रेट थे वो 80 लाख से लेके 125 लाख तक आपको प्लॉट मिल जाता था, लेकिन अब जो इस मंथ की रेट्स है वो 99 लाख से लेके 140 लाख तक तो है जो आपको प्लॉट मिलेगा।
और इसमें इंक्रीमेंट जो है वो 19 लाख से लेके तकरीबन 15 लाख के आसपास की रेंज के अंदर जो है वो एक हमने प्रॉफिट गेन देखने को मिला इन्वेस्टर्स के लिए, स्पेशली रेजिडेंशियल वाइज P1, P6, P8 बहुत बेहतरीन प्रीसेंट्स हैं, एक लेवल के ऊपर प्रीसेंट्स हैं और आने वाले टाइम के अंदर भी ये इन्होंने हाइक हमें देखने को मिलेगी स्पेशली मिडवे के वजह से बहुत ज़्यादा इनको एक प्लस पॉइंट जाता है, क्योंकि मिडवे के अंदर आप बहुत ज़्यादा देख रहे हैं बिल्डिंग्स बन रही हैं, कमर्शियल जो प्रोजेक्ट्स हैं वो शुरू हो चुके हैं, KNN देखे, फूडीज जैसे ब्रांड्स वहाँ पे आ चुके हैं इस टाइम के ऊपर अभी। हालांकि 100% ये जो जगह है वो प्रॉपर तरीके से एक डेवलप उस तरह नहीं हो चुकी, डेवलपमेंट है लेकिन कम्प्लीटली यहाँ पे बिल्डिंग्स तैयार नहीं है, कुछ के ग्रे स्ट्रक्चर्स खड़े हुए हैं स्पेशली मिडवे ए के अंदर, ग्रे स्ट्रक्चर्स बहुत ज़्यादा तैयार हैं लेकिन 5 से 6 बिल्डिंग्स ऐसी हैं जो कम्प्लीटली तैयार हैं, लेकिन मिडवे बी के अंदर अगर आप देखते हैं तो बहुत सारी बिल्डिंग्स ऐसी हैं जो तैयार हैं इस टाइम के ऊपर, और फिर हेड ऑफिस भी आपका जो है वो इसी जगह के ऊपर है, तो इसके आसपास सराउंडिंग के अंदर कमर्शियल एक्टिविटीज़ की वजह से आने वाले फ्यूचर के टाइम में इनकी प्राइसेस आपको देखने को बहुत बेहतरीन मिलेंगी एज़ कम्पेयर टू आज हम भी प्राइसेस देख रहे हैं। इसके बाद मैं अली से कहूँगा कि वो आगे एक्सप्लेन करें प्रीसेंट 12 को 16-21 को। जी तो प्रीसेंट 12 की हम बात करेंगे, ये अली ब्लॉक के अंदर आ रहा है, जैसे प्रीसेंट अली ब्लॉक के अंदर जैसे 125 के प्लॉट्स ने जैसे रेट अप किया है, उस तरह से ये 250 के प्लॉट्स ने रेट अप नहीं किया। उसकी मेन रीज़न यही है कि 125 के जो हैं वो फुल हाइट पे आते हैं, ये थोड़ा डेथ में चले जाते हैं, इस वजह से इनके रेट जैसे मतलब 250 के प्लॉट्स के जैसे रेट ऊपर जा रहे हैं, इस वजह से इनके रेट इतने ज़्यादा ऊपर नहीं गए। तो प्रीसेंट 12 के अंदर अगर हम देखें तो हमें अगर हम इसके लास्ट मंथ की बात करें तो यहाँ हमें तकरीबन 70 से 80 की ब्रैकेट के अंदर प्लॉट मिल जाता था, जिसमें मिनिमम जो है 70 और मैक्सिमम 80 के अंदर पर हमें प्लॉट मिल जाता था। लेकिन अब अगर हम इसकी करंट वैल्यू की बात करें तो यहाँ अगर आज हम प्लॉट परचेज़ करना चाहें तकरीबन हमें मिनिमम जो है 75 से 90 की ब्रैकेट में हमें यहाँ पे प्लॉट मिलेगा। 90 की ब्रैकेट में हमें इसमें इसके अंदर कैटेगरी वाला प्लॉट आ जाता है, जिसमें कॉर्नर, पार्क फेस, इसके अलावा रोड का प्लॉट या जिसके अंदर एक्स्ट्रा लैंड ज़्यादा होती है वो प्लॉट हमें मिलेगा। इसके अंदर इंक्रीमेंट जो हमें देखने में मिला है वो मिनिमम जो है 5 से और मैक्सिमम 10 तक हमें इसमें इंक्रीमेंट मिला है। इसके बाद हम प्रीसेंट 16 को डिस्कस करेंगे जो कि ग्रैंड जामे मॉस्क को फेस कर रहा है और प्रीसेंट 47 के साथ मिल रहा है, बहुत अच्छी लोकेशन पे आ रहा है, मेन जना पे आ रहा है। इसके अंदर भी अगर हम रेट्स की बात करें तो इसके लास्ट मंथ में हमें जो रेट है वो तकरीबन 70 तक हमें यहाँ पे प्लॉट मिल जाता था और जो मैक्सिमम है 10 तक यहाँ इसके प्लॉट जा रहे थे। लेकिन ईद के बाद इसकी सूरत हाल इस तरह है कि यहाँ पे अगर हम आज प्लॉट परचेज़ करना चाहें तो मिनिमम जो है हमें वो तकरीबन बहुत ही मुश्किल से जो है 80 तक प्लॉट मिलेगा। इसके अलावा अगर हम इसके मैक्सिमम बात करें तो यहाँ पर हमें तकरीबन 115 लाख के अंदर हमें यहाँ पे प्लॉट मिलेगा, जिसके अंदर कैटेगरी वाला प्लॉट आ जाता है, कॉर्नर, वही जो पार्क फेस और रोड का प्लॉट आ जाता है। इसके इसमें हम इंक्रीमेंट देखें तो यहाँ मिनिमम जो प्लॉट्स के अंदर है ज़्यादा इंक्रीमेंट आया है और मैक्सिमम में 5 आया है, मिनिमम में ज़्यादा आया और मैक्सिमम में थोड़ा कम आया दिखने को मिला है। इसकी मेन रीज़न अगर हम इसको कंपैरिजन करें प्रीसेंट 6 और 8 के साथ तो प्रीसेंट जो 16 है ये इसका एरिया कुछ इस तरह का है क्योंकि इसके अंदर बिजली की तारें भी इसके गुजर रही हैं, इसके अलावा इसकी जो लोकेशन है किसी जगह से बहुत ज़्यादा हाइट की जगह है, किसी जगह पे डेथ की जगह है, कहीं पे लेवल आ रहा है, इस वजह से इस प्रीसेंट के इतने रेट ऊपर नहीं गए। तो उसके बाद हम बात करेंगे प्रीसेंट 21 जो कि ये भी 250 का है। अगर हम इसके लास्ट मंथ रेट की बात करें तो यहाँ पे हमें 30 से 40 लाख की ब्रैकेट के अंदर हमें प्लॉट मिल जाता था, लेकिन पिछले काफ़ी मंथ के अंदर इसने इतना रेट अप नहीं किया। लेकिन इस दफ़ा अगर हम इसके रेट्स की बात करें, जैसे जैसे गोल्फ आबाद होता जा रहा है, जैसे जैसे गोल्फ के अंदर सेलिंग परचेजिंग का काम काफ़ी तेज़ी के साथ हो रहा है, वैसे ही प्रीसेंट 21 की भी रेट्स ऊपर जा रहे हैं क्योंकि ये गोल्फ के बिल्कुल साथ आ रहा है। अगर हम इसके अभी हम यहाँ पे प्लॉट लेना चाहें तो हमें यहाँ पे मिनिमम जो है 38 से मैक्सिमम 45 तक प्लॉट मिलेगा। कुछ प्लॉट ऐसे भी हैं जिसके अंदर एक्स्ट्रा लैंड काफ़ी ज़्यादा होती है या डबल कैटेगरी आ जाती है, तो वो प्लॉट हमें तकरीबन 50 की ब्रैकेट में यहाँ पे मिलेगा। तो अगर हम इसका इंक्रीमेंट देखें तो यहाँ पे तकरीबन 8 से 5 लाख तक का यहाँ पे भी इंक्रीमेंट हमें देखने में मिला है, इसमें भी मिनिमम जो है ज़्यादा से ज़्यादा हुआ है और मैक्सिमम कम हुआ है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्रीसेंट 22 को। प्रीसेंट 22 अगर हम इसकी भी बात करें तो आज से तकरीबन 2-3 माह पहले यहाँ पे भी रेट बहुत ही कम थे, जो हमें तकरीबन प्लॉट
27 में भी, 26 में भी, 25 तक यहाँ पे प्लॉट मिल रहे थे। लेकिन हम इसके लास्ट मंथ की अगर बात करें तो लास्ट मंथ हमें तकरीबन 32 के अंदर मिनिमम जो है हमें प्लॉट मिल जाता था, जो कि पीछे जिसमें काफ़ी डेथ वाली जगह जो जिसको हम खड्डे का प्लॉट बोलते हैं वहाँ पे हमें तकरीबन 32 में मिल जाता था, और अच्छी लोकेशन वाला प्लॉट वहाँ पे विद कैटागरी वो हमें 40 की ब्रैकेट में मिल जाता था। लेकिन अगर हम इस मंथ इसकी अभी करंट वैल्यू की बात करें ईद के बाद की, तो वहाँ पे हमें तकरीबन 34 से 50 तक हमें यहाँ पे प्लॉट मिलता है। 50 वाले वही हैं जो फ्रंट पे आ रहे हैं, और 34 में तकरीबन जो बैक के प्लॉट आते हैं, इसमें कैटागरी भी आ जाती है, इसके अलावा पार्क फेस कॉर्नर जो भी एक्स्ट्रा लैंड वाले उसमें आ जाता है। अगर हम इसकी मिनिमम की बात करें, इसमें इंक्रीमेंट जो बहुत कम हमें देखने को मिला है, अगर मैक्सिमम की बात करें तो हमें यहाँ पे काफ़ी इसके अंदर इंक्रीमेंट देखने को मिला है, जो कि आगे फ्रंट वाले प्लॉट्स हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्रीसेंट 30 को, ये भी मेन जिना का प्रीसेंट है, बहुत ही खूबसूरत प्रीसेंट है, बहुत ग्रीनरी एरिया है इसके अंदर। सबसे ज़्यादा अगर हम किसी प्रीसेंट में दरख्तों की बात करें तो सबसे ज़्यादा प्री 30 के अंदर दरख्त लगाए गए हैं, जो कि बहुत ही अगर इसके फ्रंट की बात करें तो बिल्कुल लेवल का है, बैक पे कुछ थोड़ा डीप एरिया आता है, लेकिन प्रीसेंट बहुत ही प्यारा है। अगर हम इसको रेजिडेंशियल वाले से देखें तब भी बहुत बेस्ट है, अगर हम इसको इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो तब भी बहुत बेस्ट है। अगर हम इसके रेट्स की लास्ट मंथ की बात करें तो यहाँ पे हमें 40 से 65 की ब्रैकेट के अंदर हमें प्लॉट मिल जाता था, लेकिन इसके अंदर भी काफ़ी इस मंथ इसमें भी इजाफा हुआ है। अगर हम देखें तो अभी हमें 50 लाख तक हमें मिनिमम प्लॉट मिलेगा, 80 की ब्रैकेट में हमें जो है मैक्सिमम प्लॉट मिलेगा, जिसके अंदर कैटेगरी के प्लॉट आ जाते हैं, इसके अलावा कॉर्नर रोड का प्लॉट होगा। अगर हम इसका इंक्रीमेंट देखें तो इसमें हमें मिनिमम कम मिला है और मैक्सिमम इसके अंदर ज़्यादा मिला है, क्योंकि मैक्सिमम इसलिए क्योंकि जो इसके फ्रंट वाले प्लॉट्स हैं उनकी काफ़ी सेलिंग परचेजिंग हो रही है, लोग रेजिडेंशियल वाले से भी ले रहे हैं, इसके अलावा फ्रंट पे लोग इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ पे सेलिंग परचेजिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे इंक्रीमेंट हमें तकरीबन 15 का मिला है और मिनिमम हमें 10 लाख का जो है हमें इंक्रीमेंट देखने को मिला है। इसके बाद हम बात करेंगे प्रीसेंट 32 की। तकरीबन पिछले मंथ में अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो सेलिंग परचेजिंग का काम हुआ है P30 के 250 के प्लॉट्स में, तो हमें देखने को मिलता है ये प्रीसेंट 32। इसके अंदर काफ़ी सेलिंग परचेजिंग का काम हुआ है, तो अगर हम इसके लास्ट मंथ की बात करें तो यहाँ पर हमें 32 के अंदर भी प्लॉट्स मिल रहे थे, इसके अलावा 30 के अंदर भी तकरीबन प्लॉट्स मिल जाता था, लेकिन अब हमें इसका और मैक्सिमम हमें 38 तक कैटेगरी वाला प्लॉट अलॉटमेंट के साथ हमें मिल जाता था, लेकिन अब हम अगर बात करें तो हमें नॉन पेड प्लॉट यहाँ पे तकरीबन 37 से 38 की ब्रैकेट में मिलेगा। इसके अलावा अगर हम अलॉटमेंट के साथ बात करें तो तकरीबन हमें 42-43 तक अलॉटमेंट के साथ प्लॉट मिल जाता है, अच्छी लोकेशन वाला। इसके अलावा अगर हम इसकी कैटेगरी वाली प्लॉट्स की बात करें तो जो हाइट पे प्लॉट आ रहे हैं, जो विलाज को फेस कर रहे हैं और जिनकी लोकेशन बहुत अच्छी आ रही है जिसमें कैटेगरी आती है, तो वहाँ पे हमें तकरीबन 50 का प्लॉट मिलेगा। इसके अंदर इंक्रीमेंट हमें देखने को मिला है जो इस मंथ 4 से 12 तक जो है 12 लाख तक हमें यहाँ पर इंक्रीमेंट मिला है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्रीसेंट 34 को। प्रीसेंट 34 जो कि एक अगर हम इसका फ्यूचर देखें तो बहुत ही प्यारा इसका फ्यूचर है, और क्योंकि आने वाले वक्त में अगर हमें आज यहाँ पे इतनी कम प्राइस में प्लॉट मिल रहे हैं तो आने वाले वक्त में यहाँ पे हमें इससे डबल प्राइस में भी यहाँ पे प्लॉट नहीं मिलेगा। तो अगर हम इसके रेट्स की बात करें, यहाँ पर हमें जो लास्ट मंथ था 40 के अंदर प्लॉट मिल जाता था और जो मैक्सिमम था वो 60 के अंदर प्लॉट मिल जाता था, लेकिन अब हमें यहाँ पे प्लॉट 48 से 70 की ब्रैकेट में मिलता है, क्योंकि इसकी सराउंडिंग बहुत प्यारी है, आईफल टावर इसको फेस कर रहा है, स्टेडियम इसके पास आ रहा है, इसके अलावा ये मेन जिना का प्रीसेंट है और 35 के विलाज भी इसके साथ आ रहे हैं, तो इसके अंदर भी काफ़ी अच्छा इंक्रीमेंट देखने को मिला है। मिनिमम जो है 8 लाख और मैक्सिमम यहाँ पर 10 लाख का हमें इंक्रीमेंट देखने को मिला है। और अली, इसके साथ साथ बहुत से हमारे ऐसे क्लाइंट्स, हमारे व्यूअर्स हैं जो कि प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हैं लेकिन स्टिल उनके पास बजट शॉर्ट होता है या वो कंफ्यूज होते हैं कि अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो किस जगह पे करें, उनके लिए हमारा जो एक मशवरा या हमारी सजेशन ये है कि जो अगर आप P1, 6, 8 के अगर रेट्स की बात करें या 16 के P1 रेट्स की बात करें, ये एक बड़ी प्राइम लोकेशंस हैं और आबाद हो चुकी हैं जगह काफ़ी ज़्यादा, तो यहाँ पर अगर एक मिडिल क्लास आदमी या आम आदमी लेना चाहे तो उसके लिए बड़ा टफ है 1 करोड़ से प्लस में जाके 10 मिले का प्लॉट लेना।
तो उसके लिए हम ये सजेस्ट ये करें कि आप स्पोर्ट्स सिटी की साइड पे जाएं, उस साइड पे अपना फोकस करें, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि बहरिया का जो अगला फोकस है वो स्पोर्ट्स सिटी हो गया। उसके बाद स्पेशली बहरिया ग्रीन्स के जो एक प्रोजेक्ट बनने जा रहा है उस वजह से बहुत ज़्यादा यहाँ पर आबादी आने वाली है। स्टिल प्रीसम 35 के जो विलास हैं वो आबाद हो चुके हैं, लेकिन और इसके अलावा भी और हमारे वो व्यूअर्स या क्लाइंट्स जो कि जिनके पास बजट इश्यूज होते हैं, बजट थोड़ा शॉर्ट होता है, वो बाय करना चाहते हैं प्रॉपर्टी बहरिया टाउन के अंदर, लेकिन वो स्टिल कंफ्यूज होते हैं कि वो किस चीज़ में जाएं। तो अगर वो P1, P6, P8 या P16 या इन P16 की तरफ आते हैं तो ये ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा मुश्किल है किसी के लिए। कुछ लोगों के लिए आसान है, कुछ लोगों के लिए टफ है 1 करोड़ से प्लस में 10 मरले का प्लॉट बाय करना। तो उनके लिए हमारी सजेशन ये है कि वो स्पोर्ट्स सिटी के जो साइड के इलाके हैं, एरियाज हैं, P16 हैं, उसकी तरफ फोकस करें, क्योंकि बहरिया ग्रीन जिस तरह के आबाद होने जा रहा है, फिर इमरान खान की हाउसिंग सोसाइटी के प्रोजेक्ट वहाँ पर शुरू होने जा रहे हैं उस एरिया के अंदर, तो उस वजह से लोगों का आना उस तरफ बहुत ज़्यादा हो जाना है। और स्पेशली P35 के विला जो ऑलरेडी हैं वहाँ पर फैमिलीज मूव इन हो चुकी हैं, वो आबाद हो चुके हैं, वहाँ पर मस्जिद बन रही है, मॉस ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, इसके फिनिशिंग का काम जा रहा है, उसके साथ साथ जो स्टेडियम है वो 2023 के अंदर ऑपरेशन हो जाना है। तो ये बहुत चीज़ें मतलब कि बहरिया ने वहाँ पे एक कमर्शियल हब बनाने की अब कोशिश कर रहे हैं कि मेन पीसेंट्स के अलावा अब जो मिड है उसको आबाद किया जाए, अब उनका फोकस मिड के ऊपर है। स्पोर्ट्स सिटी एक बहरिया का मिड बनता है, एरिया बनता है। इसके अलावा जो हमारा हेड ऑफिस भी है उसकी बिल्डिंग भी शिफ्ट होगी, हमारे स्पोर्ट्स सिटी के सामने जो बिल्डिंग बन रही है हेड ऑफिस की वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, फिनिशिंग उसकी हो चुकी है वहाँ पर। तो जैसे जैसे लोग वहाँ पर आएंगे अपने सरकारी सॉरी मामलात के लिए, ट्रांसफ़र वगैरह के या कोई भी उनकी क्यूरी होगी उसके लिए, तो एक रुझान होगा उस एरिया में। अभी आपको लगता होगा कि यार वो एरिया दूर पड़ता है गेट से, कौन वहाँ जाएगा कौन नहीं जाएगा, लेकिन इन फ्यूचर जो आप रेट्स या P6 में, P8 में या P16 में देख रहे हैं आज से 2 साल बाद ही, ये भी शायद मैं ज़्यादा कह रहा हूँ, यही सेम रेट्स आपको स्पोर्ट्स सिटी के अंदर मिलेंगे P16 के जो 250 स्क्वायर यार्ड के होंगे, और ये जो होंगे P16 यहाँ से डबल हो चुके होंगे आज से 2 साल बाद 2.5 साल बाद। तो अभी भी उन लोगों के लिए मौका है जिनके पास बजट कम है और 250 स्क्वायर यार्ड का ऑप्शन वो चाहते हैं, वो स्पोर्ट्स सिटी के आसपास जो P16 पड़ते हैं उस पर फोकस करें। ये एक बड़ी नहायत आपकी अच्छी इन्वेस्टमेंट रहेगी रहने के लिहाज से भी, लेकिन इन्वेस्टमेंट लिहाज से तो आपका बहुत ज़्यादा ही अच्छा आपको इंशाल्लाह देके जाएगा, इंक्रीमेंट लेके जाएगा एक प्राइस रेंज के अंदर। अली आप जो भी ऐड करना चाहें। तो हम बात कर रहे थे उसके बाद 34 के बाद हम डिस्कस करेंगे प्रीसेंट 40 को, जहाँ पे अगर हम बात करें तो लास्ट मंथ यहाँ पे तकरीबन माइनस के अंदर प्लॉट सेल हो रहे थे, 1-2 लाख यहाँ पे माइनस चल रहा था, लेकिन अभी इसकी सूरत हाल काफ़ी बेहतर हो रही है और मज़ीद इंशाल्लाह इसके अंदर बहुत ही जैसे एहसन राना बता रहे थे कि जिन क्लाइंट्स का बजट कम है उनके लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन है कि वो 32 की तरफ मूव करें, इसके अलावा 21 या 22, इसके अलावा प्रीसेंट 40 यहाँ पे मूव करें और अपने कम बजट के अंदर अच्छा एक अपना जो है मुस्तकबिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें अगर हम देखें तो अभी यहाँ पे जो करंट वैल्यू चल रही है वो है, अगर हम मिनिमम प्लॉट यहाँ पर लेना चाहें तो हमें 38 से 45 के बजट में हमें यहाँ पे मैक्सिमम 45 जिसके अंदर कैटेगरी वाला प्लॉट आ जाता है वो मिलेगा। इसके अंदर अगर हम इंक्रीमेंट देखें तो यहाँ पे 3 से 5 लाख का इंक्रीमेंट यहाँ पे हमें मिला है, मिनिमम 3 और मैक्सिमम 5 का। इसके बाद हम प्रीसेंट 47 को और 48 को डिस्कस करेंगे, दोनों जो कि बिल्कुल मेन जनाह के ऊपर आ रहे हैं। 47 जो है बिल्कुल मेन जनाह पे है, इसके अलावा 48 जो है इसके बिल्कुल बैक पे, दोनों का जो 48 जो है वो प्रीसेंट जो पैराडाइज़ के विलाज हैं उनको फेस कर रहा है। इसकी अगर हम करंट वैल्यू की बात करें तो यहाँ से भी अगर हम छोटी ईद की बात करें तो यहाँ पे भी माइनस में प्लॉट सेल हो रहे थे, लेकिन जैसे ही बहरिया ने पैराडाइज़ के विलाज को जो पोजेशन अनाउंस किया है तो यहाँ पे लोगों का रुझान, लोगों का आना जाना शुरू हो गया, वैसे ही इनकी कीमत जो है ऊपर जाना शुरू होगी। तो अगर हम लास्ट मंथ की बात करें यहाँ पे हमें 58 से 70 के बजट में हमें प्लॉट मिल जाता था, लेकिन अब हमें अगर हम मिनिमम भी यहाँ पे प्लॉट लेना चाहेंगे तो हमें 68 से मैक्सिमम 90 के बजट में मिलेगा, जिसके अंदर कैटेगरी वाला प्लॉट आ जाता है, क्योंकि इसकी इंटरेस्ट भी बहुत प्यारी है, इसके अलावा ये मेन जिनाह पे आ रहा है और ये ग्रैंड जामे मॉस्को फेस कर रहा है और इसके साथ बिल्कुल ये पैराडाइज के विलाज हैं। यहाँ पर हमें इंक्रीमेंट 10 से 20 का मिला है, मिनिमम यहाँ पे 10 लाख का और मैक्सिमम यहाँ पे 20 लाख का हमें इंक्रीमेंट देखने को मिला है। इसके बाद हम 48 को डिस्कस करेंगे तो इसका भी सेम यही तकरीबन सूरत हाल है, यहाँ पे भी हमें प्लॉट माइनस के अंदर 3-3 लाख 4-4 लाख माइनस में मिल रहा था लास्ट मंथ, लेकिन अगर हम अब के इसकी सूरत हाल की बात करें तो यहाँ पर हमें 65 से 80 की ब्रैकेट में, जो कि 80 के अंदर कैटेगरी वाले प्लॉट्स आ जाते हैं, कॉर्नर पार्क फेस इसके अलावा एक्स्ट्रा लैंड वाले प्लॉट वो हमें मिलेंगे। तो इसके अंदर अगर हम इंक्रीमेंट देखें तो यहाँ पे हमें 10 से 15 लाख का इंक्रीमेंट मिला है।
तो आपकी कोई भी क्यूरी है बहरिया के अंदर या सेलिंग परचेजिंग के वाले से, या आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, आप हमसे कंस्ट्रक्शन भी करवा सकते हैं। तो मज़ीद वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं, आप उन पर रابطہ कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।